अभी मैं मधुबन नगर पंचायत के पाती गांव में हूँ। बाबा साहब की प्रतिमा आपको दिखाई दे रही होगी वीडियो में। आज संविधान बाबा साहब, चूंकि सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब संविधान निर्माता थे, उनके द्वारा ही संविधान लिखा गया, और आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया था, और आज के एक साल बाद 1950 में इसको लागू भी कर दिया गया था। हिंदुस्तान में जितनी भी संख्या है, सभी लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। आज इस संविधान दिवस पे उपस्थित सारे लोग संविधान दिवस की बधाई भी दे रहे हैं और संविधान दिवस मनाने का काम भी कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपका रुख करूंगा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमरीश है। अमरीश जी, संविधान के बारे में दो शब्द बताएं और कुछ ऐसा बताएं ताकि जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो संविधान के बारे में कुछ जाने। देखिए, हम तो पूर्ण रूप से ये जानते हैं, इसको छोड़ दीजिए, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं, इसके स्वयं किसी को नहीं जानते हैं। इनके प्रति मतलब दुनिया भर की बातें समाज में हो रही हैं, लेकिन पूर्ण रूप से इनका सहयोग है संविधान निर्माता के रूप में। यही दिया, इनकी कदमों पर चलने वाली, इनके कदमों पे ही हम चलते हैं, ये हम लोगों के भाग्य विधाता हैं। बड़ी पावन दिन है आज, और पाती के इस गांव में जिस प्रकार से लोगों ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया है और आज इस संविधान दिवस को एक त्योहार के रूप में लोग मनाते दिख रहे हैं, ये काफी अच्छा लगा। बाबा साहब ने सबको एक धागा में पिरोने का काम किया है। हाँ जी बिल्कुल, एक धागा में पिरोने का काम किया है, लेकिन जो हमारे उच्च वर्ग के लोग हैं, अलग अलग जात धर्मों में बांट करके सबको मतलब वो जो है डिवाइड कर रहे हैं। चलिए, आपके बगल में मधुबन नगर पंचायत के भावी प्रत्याशी बृजेश जायसवाल जी हैं, लेकिन मैं बात करूंगा आपसे, क्या नाम है आपका? कपिल देव नाम है। आप इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गांव का है। कितना अच्छा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कितने लोग आए थे आज बाबा साहब के इस स्थान पे? बहुत लोग आए थे, कम से कम 50-50 हजार आदमी आए थे। आपके बगल में ये कौन खड़े हैं? ये हमारा बृजेश जायसवाल प्रधान जी है, चेयरमैन का चुनाव। चलिए, मैं अब एक व्यक्ति से और बात कर लूं। आप कुछ बोलना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं इस ग्राम सभा के पाती गांव का निवासी हूं और पेशे से शिक्षक हूं। और मैं सबसे पहले आपको बाबा साहब के इस संविधान दिवस पर आप सभी को बधाई, बाबा साहब को श्रद्धांजलि है, और आपके अलर्ट इंडिया को भी बधाई है, क्योंकि बाबा साहब के बारे में आप लोग बता रहे हैं। तो बाबा साहब ने जो हम लोग को संविधान दिया, उस संविधान पर हम लोग चल रहे हैं जब से देश आज़ाद हुआ, और उस पर हम चल रहे हैं, और हमें इसका मनन करके और कोशिश करना चाहिए कि हमें संविधान को बचाते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, चलते रहें, बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलें। पेशे से आप शिक्षक हैं, समाज में बहुत बड़ा योगदान होता है शिक्षकों का, क्या संदेश देना चाहेंगे आज की परिस्थिति को लेकर और बाबा साहब के संविधान को लेकर? बाबा साहब के संविधान को लेकर मैं इस जनमानस को संदेश देना चाहूँगा कि बाबा साहब ने बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए इस मुकाम तक पहुँचे, और पूरे देश को, खासकर इस समाज को, जो समाज दबा हुआ समाज था, इस समाज को उठाने का कार्य किया। इसलिए हम चाहेंगे कि सब लोग बाबा साहब की बातों का अनुसरण करें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें और उनके जैसा बनने की कोशिश करें। बिल्कुल होना चाहिए, और मुझे भी खुशी हुई जब यहाँ के लोग जागरूक दिखे, और यहाँ काफ़ी संख्या में पीछे महिलाएं भी हैं और काफ़ी अच्छी संख्या में लोगों ने चढ़ बढ़ कर आज इस एक त्योहार रूपी संविधान दिवस को मना रहे हैं। कौन कौन आया था यहाँ पे आप लोग के बीच में? यहाँ पर खास करके जो हमारे भावी चेयरमैन के प्रत्याशी लोग हैं वो लग आए थे कुछ लोग। अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में हमारे सामने हमारे भावी प्रत्याशी बृजेश जायसवाल जी हैं, और ये जो है काफ़ी कुछ समाज में सहयोग करते हैं, सबके साथ रहते हैं,
तो हम भी चाहेंगे कि भाई हमारे ब्रजेश जायसवाल जैसे लोग पैदा हों। चलिए, बाबा साहब द्वारा निर्मित इस संविधान के इस पावन बेला पर पाती के इस गांव से मेरा प्रयास कैसा रहा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, गिरजेश भैया संघर्ष कीजिए, गिरजेश भैया संघर्ष कीजिए, गिरजेश भैया संघर्ष कीजिए।